चिराग पासवान जी बरसाती में डक हैं, वो सिर्फ आते हैं और दिखा के चले जाते हैं। आज तक नहीं कुछ हुआ और नहीं होगा। रोजगार नहीं मिला है बिहार में, कोई रोजगार नहीं दिया चिराग पासवान जी। कौन है वो जमुई का बेटा जो आपके लिए काम कर? आईपी गुप्ता। बिहार को क्या मिला केंद्र सरकार से? कुछ नहीं। रोजगार के नाम पर क्या? लड्डू, जीरो। रोजगार नथिंग, कुछ नहीं, जीरो। विकास की बात है, स्टेशन केवल बन जाने से हम सुखी नहीं हुए। तो ये जो अग्निवीर योजना ला के देश के युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, क्यों? पूरे देश में तो ब्रांड मोदी चल रहा है, राम मंदिर बनवा दिए हैं नरेंद्र मोदी जी, बहुत बड़ा काम किए हैं, क्या कहेंगे इस पे वोट मिलना चाहिए? इसके पास सिर्फ बीजेपी के पास धर्म की राजनीति थे, सिर्फ हिंदू और राम मंदिर थोड़ी समस्या निकलने वाला है। बीजेपी का जादू नहीं चलेगा इस बार, नीतीश कुमार का भी जादू नहीं चलेगा इस बार, तेजस्वी जी का जादू चलेगा। तेजस्वी का बैकग्राउंड तो उतना अच्छा नहीं रहा है पहले से उनके पार्टी का, तो फिर बिहार की जनता विश्वास कैसे करेगी? आप देख लीजिए ना, 17 बरस प्लस 17 महीना। महिला उद्यमी योजना के तहत जमुई की महिलाओं को कितना रोजगार मिला है? पुरुष को नहीं मिला है तो महिला का बेचारा क्या मिलेगा? है ही नहीं। रेलवे स्टेशन बोले किसान का एकागो नहर जो है खुदाई हुआ है जिला में, एकागो नहर डैम बना है, पूछा जाए इनसे, ये बोले एम्स बना है, 2,86,000 से जीत गए, कहाँ एम्स कहाँ बना? आस्थालोक हॉस्पिटल प्रेजेंट्स कैपिटल टीवी बिहार का बादशाह। नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के खास शो बिहार के बादशाह में, और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। देखिए, लोकसभा का चुनाव बेहद करीब है और पूरे देश की जनता जो है वो चुनावी रंग में रंग चुकी है, और बिहार की जनता भी पूरे तरह से चुनावी मोड में है। तो आइए बिहार की जनता से बात करते हैं। फिलहाल हम जमुई लोकसभा में मौजूद है। यहाँ के लीडिंग सांसद चिराग पासवान है, जिनका कार्यकाल पिछले दो बार से रहा है, लेकिन कितना विकास हुआ है, और हम बात करेंगे असल मुद्दों पर कि लोगों को विकास के लिए क्या चाहिए। इस बार चुनाव जो होने वाला है उसमें फैक्टर क्या बनेगा? मंदिर बनेगा या फिर जाति बनेगी या रोजगार या फिर विकास? तो आइए लोगों से बातचीत करते हैं, क्या लगता है चुनावी फैक्टर क्या होना चाहिए? चुनावी फैक्टर रोजगार होना चाहिए, विकास होना चाहिए, और ये संभव सिर्फ तेजस्वी सरकार में, इसलिए कि बिहार में तेजस्वी का कार्यकाल तो इससे पहले बिहार में जब उनके पिताजी थे लालू प्रसाद थे तो कितना विकास नहीं हो पाया, जंगल राज का टैग लग गया। उस समय तो इतना विकास हुआ कि आप जम्मू जिला का हम बात करते हैं, बिहार का बात और लोग करेंगे कि उसका पोचाड़ा भी करवा दे दूसरा सरकार, तो यही बहुत बड़ी बात है। क्या लगता है क्या बनेगा चुनावी मुद्दा जमुई के लिए? चुनावी मुद्दा विकास ही है। कितना विकास किया चिराग पासवान आपके अकॉर्डिंग? हम सेंट्रल की बात कर रहे हैं, तो चुनाव यहाँ पे अगर आप एमपी को चूज करते हो तो फिर जमुई की जनता ही वोट करेगी, तो उस अकॉर्डिंग पूछ। हाँ ठीक है, तो चिराग जी ने भी बहुत किया है, सेंट्रल स्कूल का उद्घाटन करवाया है, मॉडल स्टेशन बनाया इन्होंने, दो दो मॉडल स्टेशन दिया है, एक दो दो मॉडल, एक जमुई को मॉडल स्टेशन बनाया गया है, एक सिमुतल्ला को मॉडल स्टेशन बनाया गया है। आप फुट ओवर ब्रिज देख लीजिए, झाझा में फुट ओवर ब्रिज बना है और जैसे जमुई में बना है। क्या कह रहे हैं जनता, कितना विकास किया है चिराग पासवान? सिर्फ बनाए हैं, बना नहीं है, कार्य चल रहा है, सब प्रगति पे कार्य, ठीक है, सारा काम, सारा पंचायत को सा, गोल दिया, अभी तक बेचारा गोल जिस, में जिस, नीचे टहल रहा है, अभी पता नहीं है चिराग, सबसे पिछड़ा क्षेत्र था, जमुई के लोगों को क्या चाहिए, बिहार की जनता को क्या चाहिए? देखिए, बिहार की जनता रोजगार और विकास की ही बात कर रही है, लेकिन होता क्या है, लोकसभा चुनाव है और लोगों का नज़र होता है प्रधानमंत्री कैंडिडेट पे, और प्रधानमंत्री कैंडिडेट में पीएम मोदी जी से अच्छा कोई कैंडिडेट दिख ही नहीं रहा है। हमेशा ऐसा होता है कि हम पीएम का फेस देख लेते हैं, उस अकॉर्डिंग आप अपने क्षेत्र के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको चूज करते हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके यहाँ आके विकास करते हैं, क्या बोलेंगे इस पे? मैम देखिए, सबसे पहले तो जो रोजगार की बात होनी चाहिए, और 10 साल यहाँ के सांसद चिराग पासवान रहे, रोजगार नथिंग, कुछ नहीं, जीरो। विकास की बात है, स्टेशन केवल बन जाने से हम सुखी नहीं हो जाएंगे। रुकिए, उससे रोजगार कुछ नहीं मिला, रोजगार का साधन यहाँ है कृषि, कृषि के नाम पर किसानों के लिए यहाँ उन्होंने 10 साल में
कोई भी अगर संसद प्रतिनिधि यहाँ होंगे जवाब दे दे कि किसानों के लिए क्या हुआ। अगर किसानों के लिए नहीं हुआ तो रोजगार नहीं हुआ। आप कह रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट इसका काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट हमारी विपक्ष रही है। एक मिनट, सेंटर की जो योजनाएं हैं। अच्छा आप लोग बोल रहे हैं कि चिराग पासवान काम नहीं किया, तो फिर आप लोग क्या बताते हैं कौन होना चाहिए उम्मीदवार? 10 दिन पहले जो है हम कलकत्ता से आ रहे थे तो लोग ट्रेन कौन होना चाहिए उम्मीदवार? 10 दिन वही पूछ रहे हैं। सुनिए उम्मीदवार देखिए जम्मू लोकसभा जो है ना जब से सबसे बाहरी ही यहाँ पे संसद बना है। इस बार हमारे लोकल चाहिए, जमुई का बेटा चाहिए, वो यहाँ से चाहिए हमें लोकल। कौन है वो जमुई का बेटा जो आपके लिए काम कर? आईपी गुप्ता। हम लोगों का वही आईपी गुप्ता पहले जब कैंडिडेट, अभी तो नहीं है। क्या आपके लिए क्या काम किए हैं? ये गठबंधन महागठबंधन तय करेगी, लेकिन हमें लोकल लोकल नेता चाहिए हमको। हमारी गठबंधन से आप रोजगार की बात कर रहे हैं ना, तो ये जो अग्निवीर योजना ला के देश के युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं क्यों? चार साल नौकरी करेगा उसका घर आकर बैठेगा, इस पर बात क्यों नहीं हो रहा है? हमारा देश का मजबूत स्तंभ बता। जमुई की जनता किसे चूज करेगी, किसे वोट करेगी? जो यहाँ के लिए एक फायदेमंद चीज जो होती है वो जो करेगी वही बने। आपको क्या लगता है कौन से ऐसे आपके नजर में कौन से ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, कौन से ऐसे नेता है जो कि जमुई का विकास कर सकते हैं या पहले किए हुए हैं जिनको आप आगे वोट करेंगे? अभी तो मेरे नजर में चिराग पासवान है। चिराग पासवान पिछले कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ रोजगार की कमी है। कोई रोजगार नहीं मिला बिहार में, कोई रोजगार नहीं दिया चिराग पासवान जी, कोई रोजगार नहीं दिया है, बेचने का काम किया है। मैं गरीब व्यक्ति बोल रहा हूँ किसान वर्ग के, कोई रोजगार उसको नहीं जानते हैं। अब क्या कहेंगे आप इस पे? किसान निधि योजना आती है वो क्या किसमें बांटा जाता है? बीजेपी के कार्यकर्ता में कितने सारे जो एम्स खुले वो किसके लिए? अच्छा कितने लोगों एक सेकेंड बोले आ रहे। अच्छा एम्स बना है, रेलवे स्टेशन बना है, उससे कितने लोगों को फायदा मिला है? देखिए एक मिनट रुको नहीं यार, फिर हम नहीं बोल पाएंगे। ए मेरे भाई जरा खामोश, हमको ये बताइए कि हिंदुस्तान के पूरे भारत के किसी स्टेट में, एक मिनट, किसी स्टेट में 5 लाख रोजगार एक साथ मिला है क्या? पूरे भारत में किसी एक स्टेट में पिछले 5 साल 8 साल 10 साल से किसी एक स्टेट में 5 लाख रोजगार किसी ने दिया क्या? क्या कहेंगे इस पे? सत्रह महीना की बात कहते हैं और 17 साल की, यकीनी तौर पर नीतीश कुमार 17 साल तक हुकूमत किए बिहार में, और ये तेजस्वी ने जो वादा किया था इससे पहले वाले में कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, इस लड़के ने अपना वादा निभाया। इसने मुश्किल से 17 महीना में लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव फिलहाल लड़ नहीं रहे हैं। एक चीज हम बताते हैं, जो तेजस्वी यादव जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है 17 महीना में 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है, और उन्हीं के मॉडल पर बिहार का जो नौजवान, यहाँ का किसान, यहाँ का मजदूर, यहाँ का दुकानदार, जो भी महागठबंधन इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार होगा उन्हीं को जो है यहाँ पर जिता करके इस बार लोकसभा में जीत उसी का सुनिश्चित होगा, महागठबंधन तेजस्वी यादव। लेकिन पूरे देश में तो ब्रांड मोदी चल रहा है, राम मंदिर बनवा दिए हैं नरेंद्र मोदी जी, बहुत बड़ा काम किए हैं, क्या कहेंगे इस पे? वोट मिलना इसके पास सिर्फ बीजेपी के पास धार्मिक राजनीति है, सिर्फ हिंदू और राम मंदिर से थोड़ी समस्या निकलने वाला है। क्या कहेंगे राम मंदिर के नाम पे वोट कलेक्ट मिलना कहाँ तक सही है या फिर रोजगार के नाम पे आप लोग वोट करेंगे? इस बार बिहार में बीजेपी का जादू नहीं चलेगा, इस बार नीतीश कुमार का भी जादू नहीं चलेगा, इस बार तेजस्वी जी का जादू चलेगा, और इंडिया गठबंधन का जो भी उम्मीदवार होगा जम्मू से वो जीतेंगे। लेकिन तेजस्वी का बैकग्राउंड तो उतना अच्छा नहीं रहा है पहले से उनके पार्टी का, तो फिर बिहार की जनता विश्वास कैसे करेगी? आप देख लीजिए ना 17 बरस प्लस 17 महीना, बैकग्राउंड तो यही देखने की चीज है ना, 17 महीना में जो इन्होंने करके दिखाया
सो 17 साल में नहीं हुआ था। और यहाँ का जनता जो इस बार वोट करेगी वो महंगाई बेरोजगारी इसी से होके वोट करेगी। लेकिन विपक्ष के पास तो कोई प्रधानमंत्री का जो है चेहरा ही नहीं, समझ कौन है आपको क्या? गठबंधन का उम्मीदवार है। विपक्ष का एनडीए तय करेगा, एनडीए जब एनडीए में इंडिया गठबंधन उसका तय करेगा। आप जो अभी डिबेट कर रहे थे, क्या लगता है रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं तो क्या लगता है कि कौन यहाँ से कैंडिडेट होगा? क्या बोले? कैंडिडेट कौन होगा जो रोजगार के बारे में बात करेगा? कहाँ का? यहाँ का तो जो महागठबंधन तय करेगा वही कैंडिडेट होगा, उसको हम लोग महागठबंधन मिलकर जिताएंगे। पूरा जीतेगा महागठबंधन का उम्मीदवार? हमारे महागठबंधन जिनको ऊपर से तय करके भेज देंगे वो कैंडिडेट जीत के जाएंगे। क्या कहेंगे लोग? कह रहे हैं कि महागठबंधन के जो कैंडिडेट होंगे यहाँ से उनकी जीत होगी, आपका क्या राय है? चिराग पासवान पहली बार जो जीते थे 2014 में तो वो जीते थे 86,600 वोट से, उसके बाद यहाँ की जनता 2.5 लाख से जिताई और इस बार वो कैंडिडेट बन करके आ रहे हैं फिर और 5 लाख से जीतेंगे, 5 लाख से जीतेंगे, 5 लाख से जीतेंगे, 5 लाख से जीतेंगे। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, अपने काम के बल पे 5 लाख से जीतेंगे। उन्होंने काम किया है और जनता मालिक है, जनता देख रही है। चिराग पासवान जमुई के सांसद हैं, कितने बार आप लोगों के क्षेत्र में आके भ्रमण किए हैं, कितना विकास? जैसे मैडम मैं उनसे ही उनसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि आज उनसे उनसे पूछिए कि चिराग पासवान एक रात बिताए जमुई में? अच्छा एक बात है, अच्छा एक बात है, अभी कुछ ही दिन पहले चिराग पासवान जो है वो जमुई आए थे और यहाँ से निकलते वक्त उनकी आंखों में आंसू आ गया था, वो ऐसा कह रहे थे कि यहाँ की जनता उन्हें बहुत प्यार करती है, क्या कहेंगे, कितना प्यार करते हैं? चिराग पासवान जी बरसाती मेंढक हैं, वो सिर्फ आते हैं और दिखा के चले जाते हैं, आज तक नहीं कुछ हुआ और नहीं होगा और इस बार तो फुल्ली पूरा माला उला दे के विदा हो गया। क्या मुद्दा, चुनावी मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा बीजेपी को हमने 40 में से 39 सीट दिया, बिहार को क्या मिला केंद्र सरकार से? कुछ नहीं, रोजगार के नाम पर क्या लड्डू, जीरो। अच्छा आप रेलवे स्टेशन की बात कर रही हैं तो क्या ग्राउंड लेवल पे अगर हम जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनको रोजगार नहीं मिलता है, हम अगर बात करते हैं कि हम नेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं वहाँ पे होता है, जमुई में क्या बेरोजगारी की समस्या नहीं है? बेरोजगारी की समस्या नहीं है ऐसा नहीं है, बेरोजगारी तो है ही, लगातार आबादी बढ़ रही है, लेकिन आज एक रेवड़ी जो एक ठेला पे सामान बेचते हैं ऐसे लोग को भी मुद्रा लोन के तहत काफ़ी बड़ा दुकान खोलने का अवसर मिला है और बिना किसी चीज़ को बैंक में जमा किए हुए, तो ये एक आम व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा बात है। महिला उद्यमी योजना जो केंद्रीय सरकार के द्वारा चला गया है, इससे काफ़ी महिलाएं आज जो सब्जी बेचती थी, चूड़ी बेचती थी, वो अपना बड़ा दुकान बनाई है और पूरा परिवार का पालन कर रही है। महिला उद्यमी योजना के तहत, महिला उद्यमी योजना के तहत आप जमुई की महिलाओं को कितना रोजगार मिला है? महिला रोजगार ये भी टीचर वाला बहाली जो हुआ उसमें महिला उद्यमी योजना के महिला उद्यमी योजना के तहत जमुई की महिलाओं को कितना रोजगार मिला है? एक वो नहीं मिला है जमुई। उज्ज्वला योजना के तहत घर 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 महिला बात करते हैं, पुरुष को नहीं मिला है तो महिला का बेचारा क्या मिलेगा? मैडम आमतौर पर एक मिनट आमतौर पर जो हमारे पूछ रहे हैं लोकसभा का मुद्दा मोदी भर से अदर है और कोई मुद्दा नहीं है, यही मुद्दा है। जरा साहब क्यों नाराज है इतने मोदी से आप, क्यों नाराज है? जरा साहब सुनिए, रहिए शांति रहिए, नाराजगी मोदी जी से क्यों? 2000 विकास नहीं हुआ, ठीक है, 2014 में इस संसदीय क्षेत्र का निर्माण हुआ, शांति रहिए। अरे बैठो, मंदिर से खाली भिखारी बन सकता है, मंदिर से भिखारी मिल सकता है और विकास से विद्वान बन सकता है, और सिर्फ वही होगा, मुद्दा है ही नहीं। रेलवे स्टेशन बोले किसान का कागज नहर जो है खुदाई हुआ है जिला में, एकागो नहर डैम बना है, पूछा जाए इनसे, ये बोले एम्स बना है,
2 लाख सियासी से जीत गए, कहां एम्स कहां बना? तो देखिए फिलहाल हम जमुई लोकसभा क्षेत्र में मौजूद थे, यहाँ हमने लोगों से बातचीत की और पूछा कि यहाँ के लोगों के लिए चुनावी मुद्दा क्या है। तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा संख्या में लोगों के लिए जो मुद्दा है वो बेरोजगारी है, उन्हें भी रोजगार चाहिए, उन्हें भी एयरपोर्ट से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ के कुछ लोग हैं जो कि ये कह रहे हैं कि यहाँ के जो सांसद है चिराग पासवान, उन्होंने बहुत कुछ काम किया है, लेकिन दूसरे पक्ष से हमने बातचीत की तो उनका साफ कहना है कि एयरपोर्ट बनने से और रेलवे स्टेशन बनने से लोगों की पेट नहीं भरती है, लोगों को रोजगारी चाहिए, लोगों को चाहिए, लोगों को किसानों का सम्मान चाहिए, उनको अपने लिए योजनाओं का लाभ चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जमुई के लिए कौन उम्मीदवार होना सही रहेगा और क्या चिराग पासवान इस पर जीत हासिल करेंगे? आप अपनी राय को कमेंट करके हमें बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की तमाम खबरों के लिए परिणाम के साथ देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे आस्था लोक हॉस्पिटल कंकड़बाग पटना।